थैंक यू सो मच, थैंक यू। मेरा नाम वजाहत रफीक है, मैं कश्मीर से हूँ। तो मेरी जो अपब्रिंग है बॉम्बे दिल्ली से हुई है, और मेरी जो फिल्म लाइन की जो शुरुआत है वो बॉम्बे से शुरू हुई। तो मैं एज ए डायरेक्टर इसमें हूँ। तो ये हमने जो शूट किए, सीरीज़ ऑफ सॉन्ग शूट किए, ये तो भी एक जो हमने प्रमोट किया यहाँ पे। तो सीरीज़ ऑफ सॉन्ग्स आ रही है हमारे पास। तो सॉन्ग का नाम जो है दिल नयो मंदा है। दिल नयो मंदा एक पंजाबी वर्ड है। तो सिंगर्स बॉम्बे से हमारे हैं, और इसमें आर्टिस्ट जो हमने चाह के कश्मीर के आर्ट्स को उनको प्रमोट करें हम, तो यहाँ के आर्ट्स को हमने लिया है। और लोकेशन तो आपको पता है, कश्मीर की है, जन्नत फिरदौस जिसको कहते हैं। सो कश्मीर को हमने लिया है। सो वी आर प्लानिंग टू, जैसे प्रमोशन हो टूरिज्म का और ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए यहाँ पे, सैलानी आए, ये हमारा सर मोटिव रहता है। सर देखिए, शूटिंग करके इट्स ऑलवेज़ अमेजिंग। आप जब भी शूट करते हैं, आप अपने प्रोफेशन को जब आप प्यार करते हैं, आप फिल्म मेकर हो, कॉन्टेंट राइटर हो, एक्टर हो, उस चीज़ को जब आप करके आपको बहुत अच्छा लगता है। सो एज अ फिल्म मेकर मुझे बहुत अच्छा लगा इसको निभा के। जब यहाँ पे फिल्म इंशाल्लाह हम शूट कर रहे हैं, यहाँ पे वेब सीरीज़ हमारी, अब प्लान जो हमारा अभी रिसेंटली है उसमें हमने सॉन्ग्स अराउंड 8-9 सॉन्ग शूट किए हैं। सो वो इंशाल्लाह लाइन टू लाइन आ रहे हैं यहाँ पे। मेरा नाम आदिल खान है, इसमें मैं एक्टर हूँ, और इस गाने का मैं प्रोड्यूसर भी हूँ, मैंने प्रोड्यूस भी किया है। मैं प्रोड्यूसर एक्टर हूँ इस गाने में। यानी कि बोले, ये पंजाबी बोले, दिल नहीं मानता, कि मतलब कि दिल मानता नहीं है। यहाँ पर माहौल अच्छा है, मैं यहाँ पर शूटिंग कर रहा हूँ 2014 से। साउदर्न इंडिया के कुछ एपिसोड्स किए 2014 में, उसके बाद भी कुछ मूवीज़ की, कुछ गाने किए, और माहौल अच्छा है क्योंकि हम यहाँ पर टूरिज़्म प्रमोट कर रहे हैं। और टूरिज़्म प्रमोट होने से क्या होता है कि यहाँ पर पैसा आता है। अभी इकोनॉमी डाउन है, सो ये गाना बनाने का भी यही मकसद था कि टूरिज़्म अभी डाउन है, सो दैट लोग देखें कि नहीं, हाँ चलो यहाँ खूबसूरती है, क्योंकि कश्मीर खूबसूरत है। और हमें भी बाहर लगता है मुंबई में कि हाँ, हम कश्मीरी है, वो प्राउड फील करते हैं कि, और हम अपना प्यारा कश्मीर दिखा रहे हैं, और वो खूबसूरती दिखा रहे हैं हम कश्मीर की। सो वो प्राउड मोमेंट होता है हमारे लिए। और माहौल अच्छा है, लोग सपोर्ट करते हैं, खुश होते हैं जब भी हम शूट करते हैं, सारे लोग हेल्पफुल होते हैं। पहले मैं बताऊंगा, 2014 से मैंने कश्मीर में शूट किया। ये मॉडलिंग मैंने स्टार्ट किया था 2004 में, तो मैं स्टडीज़ ही कर रहा था। सो 2006 में मैं मिस्टर नॉर्थ इंडिया टाइटल विनर रहा हूँ मॉडलिंग में। तो उसके बाद एक्टिंग, थिएटर, ये सारी चीज़ें की, वहाँ से सीखा। और कश्मीर में ये बताऊँगा कि हमारे टाइम पर बहुत मुश्किल था बॉम्बे जाना। लोग तस्वर भी नहीं कर रहे थे, सोच भी नहीं पाते थे कि मुंबई जाना है, कि मुंबई में हम काम कर सकते हैं, सस्टेन कर सकते हैं। मैं पहले अपनी खुद की बात बताऊंगा, जब मैं मुंबई गया, पहले 20 दिन मैं घर से बाहर ही नहीं निकला, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं, क्योंकि हम कश्मीर से हैं, यहाँ की हमारी लाइफ यहाँ बहुत स्लो है, मुंबई की वहाँ स्पीड है लाइफ में। तो मैं सोच रहा था, हम कैसे इसमें, इस स्पीड के साथ मैं खुद को कैसे मेंटेन करूँ अपनी स्पीड। तो अभी क्या है कि अभी सोशल मीडिया है, अवेयरनेस है। अभी अगर किसी को मुंबई में काम करना है, ऑनलाइन है, सारे प्रोडक्शन हाउसेस है, उनको वो अपने रिज्यूमे भेजे, अपने पोर्टफोलियो भेजे, अपना शौरिल भेजे, अपना जो वीडियो है, अगर कोई फ्रेशर है अपना एक प्रोफाइल बना के भेजे, अपना एक छोटा सा शौरिल वीडियो बना के भेजे, तो काम मिलता है। तो अभी बहुत ईजी हो गया। अभी यहाँ पर भी बहुत सारी शूटिंग्स हो रही है, और बहुत सारे लोगों को अपॉर्चुनिटी मिल भी रही है। अब फ़र्क इतना ही है, अगर मुंबई में काम लेंगे तो एक अच्छा कैरेक्टर, मेन कैरेक्टर मिल सकते हैं, और जो कश्मीर में जो काम मिलेंगे वो छोटे छोटे कैरेक्टर्स का काम होता है, वो दिखते भी नहीं है कहीं। बस यही बताऊंगा कि अगर यहाँ पर हम चाहेंगे कि यहाँ पर फिल्में ज़्यादा से ज़्यादा शूट हो, जैसे मैंने बोला कि यहाँ पर अभी इकोनॉमी डाउन है, जहाँ शूटिंग होगा बाहर से पैसा आएगा वो यहाँ पर इन्वेस्ट होगा। सो काम इस पर ही करना है कि गवर्नमेंट को काम करना है, इस पर एडमिनिस्ट्रेशन को काम करना है। इन लोगों ने यहाँ पर फिल्म पॉलिसीज रखा है, लेकिन पॉलिसी कहीं नहीं है। ये बस मैक्सिमम यहाँ पर परमिशंस दे रहे हैं, और कुछ नहीं दे रहे हैं। हम अभी उत्तराखंड में एक मूवी कर रहा हूँ मैं अभी शुरू, सितंबर एंड में, हमें वहाँ सब्सिडी मिल रही है। अगर हम वहाँ पर कुछ अमाउंट हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, हमें 35% वहाँ से आ रहा है वापस, सब्सिडी मिल रही है। अगर यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ की गवर्नमेंट ऐसा स्टेप उठाती है कि सब्सिडी दे रहे हैं प्रोजेक्ट्स में, तो हर कोई चाहेगा कि यहाँ पर आना। उत्तराखंड में उतनी खूबसूरती नहीं है जितनी खूबसूरती कश्मीर में है। कश्मीर को जन्नत कहते हैं, दुनिया में जो जन्नत है वो कश्मीर है।
सो हर कोई चाहेगा कि सिंगापुर क्यों जाएंगे, वो सिंगापुर में उनको वो चीज़ें नहीं मिलती जो उनको यहाँ पर मिलती है। सो एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए कि यहाँ पर पॉलिसीज़ को रखे, सब्सिडी दे, वेलकम करे बॉलीवुड को यहाँ पे। वो ऐसा यहाँ पर वेलकम कुछ होता नहीं है, यहाँ पर शूटिंग होती है, सब आते हैं फ़ोटो खिंचवाने के लिए, बस उतना होता है। तो वही है,